आप सभी लोगों का अपना YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, तो चलिए राठौर एजुकेशन पॉइंट, हाँ बिल्कुल इसी पे पढ़ा रहे हैं अभी। इतना सारा चैनलें बना लिए कुछ यादें नहीं रहता है ना, कोई बात नहीं है, कोई पर पढ़ाई सब तो मेरा ही है ना भाई। YouTube का भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगा तुम तो तबाही ला रखे हो, कोई पे पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी बताइए। अर्थशास्त्र 30 क्वेश्चन हो चुका है रसगुल्ला, जो 31 देख रहा है ना वो कह रहा है कि 30 को गायब हो गया। नहीं गधा, हम मूर्ख नहीं है, तुम थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा लेता है, 30 को पीछे करवा दिए हैं, दो पार्ट और होगा वीडियो वाला, उसको थोड़ा घुमा कर देखो। ठीक है, दिमाग खराब नहीं करो, किसका अपना, हमारा दिमाग कोई खराब कर सकता है। चलिए 31 अर्थशास्त्र किनकी रचना थी बताइए। 31 क्या प्रश्न है, वाह, अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ कि तुम अब काम करना कि हमारा देश में कौन कितना रुपया रखल है, जे गिन के तू बताना। ठीक है, तो इसको कब गठित किया गया, राष्ट्रीय आय समिति को गठित कर दिया गया, बहुत सारा गठित हुआ था है ना भाई, तो बताइए इसको भी गठित किया गया, पहले हमारा देश में थोड़ी था, आजादी के बाद ही सब ना हुआ है। चलिए 32 इतना दे दिया आपको, बिल्कुल आजादी के जस्ट एक दो साल के बाद हमको आजादी कब मिला था, 47 में है ना, तो 1949 में ये गठित हुआ था संस्था। चलिए नेक्स्ट है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, क्या प्रश्न है यार। चलिए समझते हैं, समझना तो पड़ेगा ही, नहीं दिख रहा है तो सुन सकते हो, भगवान ने दोनों चीज इसलिए दिया है, जहां पर तुम देख नहीं सकते हो वहां पर सुन सकते हो, है ना भाई। कहे कि हम भी पढ़ते थे तब पीछे बैठते थे ज्यादा, कहे कि हम बोतल हुआ करते थे अपने समय में। ठीक है, तो पीछे हम सुनते थे खाली जो सर बोलते थे, तो तुम लोग भी वही काम करो, सुनो, दिखाई नहीं दे रहा है तो। चलिए 33 हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है बताइए। वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा, चेक, बताइए 33 का सही जवाब है ऑप्शन सी, पत्र मुद्रा। चलिए ठीक है, इसको मान्यता प्राप्त है। चलिए कितना का चेक काटू बोलना, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभी उतना नहीं काटेंगे, अभी 15-20 रुपया वाला काटेंगे समय आएगा तो जरूर काटेंगे। चलिए निम्नांकित में कौन सी विधि ग्राह मुद्रा है। अरे 12th के क्लास होगा, तबाही ला देंगे, बस थोड़ा इंतजार तो करो, महातबाही ला देंगे। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह मुद्रा है, 34 थ्योरी क्लास में बड़ा दिक्कत होता है यार। चलिए 34 मुस्कुराने के बजाय तुम हो, इस सॉन्ग आज बढ़िया गा रहे हम ना। चलिए 34 के ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 रुपए का नोट। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह मुद्रा है, 10 रुपए का नोट है ना, यहाँ 20 का भी नोट रहता तो नोट वे होता। ठीक है, ग्राही मुद्रा के बात कर रहा है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए कोई कहता कि यहाँ 20-30 का है नोट नहीं दिया, अरे गधा, नोटे ना होगा ग्राही मुद्रा, ग्राही मुद्रा का होता है, हम थ्योरी पढ़ाए हैं, पढ़ ले जाके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, क्या बात है। चलिए आजकल, आज और कल मतलब वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, आजकल मुद्रा, मुद्रा माने रुपया पैसा, कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा, सिक्के, इनमें से सभी। 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्र मुद्रा है ना, काफी ज्यादा प्रचलन में चल रहा है। कितना कितना बोलिए 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 जल्दी, 13 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ काट के चेक थमा देता है, इसलिए पत्र मुद्रा ही ज्यादा चल रहा है, कौन उतना कैश देगा, इसलिए बी। चलिए 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 सिंघाड़ा लेते चलिए, सिंघाड़ा नहीं लेना, यहाँ पे पढ़ाई का डोज लेना है ना, सिंघाड़ा बटता है तो आप लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। चलिए 36, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है बताइए, मुद्रा के कार्य नहीं है, सही जवाब है लेखन एवं संपादन। देखिए मुद्रा में माध्यम होता है, मापन होता है, भुगतान होता है, ये कहाँ से घुसा दिया यार, ये तो गड़बड़ है ना, ये नहीं होता है। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से सभी
नए रसगुल्लों के लिए जो भी मेरे प्यारे न्यू विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं उन सभी लोग नोट्स ले लीजिए, बाकी रसगुल्ला पार्टी ले लिया ढेर सारा नोट्स, तो जे ले लिया है जे पढ़ो ठीक है, न तो फिर कहेगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ सर, तो हम दो चार तमेचा मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा खुद, इसलिए पढ़ाई करो, नोट्स ले लिया है, बाकी क्लास हो रहा है, पीडीएफ मिलता है रेगुलर, टेस्ट लगाइए बस, सिलेक्शन कोई माई के लाडला पैदा नहीं हुआ धरती पर कि तुम्हारा सिलेक्शन रोकने का कोशिश करेगा। और जो नए विद्यार्थी है नोट्स ले लेना, 99 रुपया में सब दे देंगे एकदम, टोटल टोटल यार टोटल महातबाही ला दिए, अब बिहार को बदल के ही छोड़ेंगे। चलिए तो सब नोट्स ले लेना 99 में। 37 का ऑप्शन डी, चांदी और सोना किस धातु का मुद्रा रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? चांदी दिया सुनार को पाय बना दिया, दिल दिया दिलदार को घायल बना दिया। चलिए दिल किसी को मत दीजिएगा, घायल तो नहीं तोड़ जरूर देगा है ना, ऐसा तोड़ेगा कि जिंदगी भर टूटे ही रह जाओ, जैसे में हम बिल्कुल, हमने भी किसी को दिल दिया था, दिल भी तोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं है, दिल टूटता है तो दिल जुड़ता भी है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शाख का आधार नहीं है? अच्छा रसगुल्ला, वाह क्या बात है, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है बेटा आपकी एक झलक देखने को तरस जाए। बिल्कुल मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे रसगुल्ले भाई, आप इतना परफेक्ट तो बनो कि आपको देखने के लिए तरस जाए, बनना तो पड़वे करेगा। चलिए फिलहाल तो किसी और के हैं हम, चलिए इनमें से कौन शाख का आधार नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी, शिक्षा शाख का आधार नहीं है। विश्वास, आपको बैंक शाख कब देगा? विश्वास होगा तब ना जी, अब देखेगा कि मलुआ के अगर दिए तो दारू उरू पी के या इन्हें उन्हें कुछ करके ये सब पैसा बुरा देगा, ये पैसा लौटावे वाला आदमी लग नहीं रहा, ना हम तुमको तो पैसा बिल्कुल नहीं देंगे, गोड़ पड़ते हैं महाराज जाइए। वो फिर मैनेजर भी जो जाएगा बोलेगा कैसे दे दीजिए ना, कितना के काम है? 5 लाख, ठीक है 2000 दे दीजिए 2000, कोई दिक्कत ना है। ऐसे भी बहुते सारा लोग लेके पैसा भागल है हमारा देश से, 2000 और लेके चल जाएगा तो कोई दिक्कत है? चलिए इसलिए साख का आधार नहीं है, शिक्षा साख का आधार नहीं है ठीक है, बाकी ये आधार होता है, शिक्षा नहीं है, विश्वास होगा तभी आपको साख मिलेगा, बट यहाँ क्वेश्चन कुछ और ही है, समझा कुछ और ही रहे हम, समझदार लोग समझा होगा, बाकी के तो दिमाग से ऊपर भी निकल गया होगा। चुकाने की क्षमता ऋण की अवधि, ऋण का अवधि होता है ना कि 6 महीने में आपको ऋण चुकाना है, चुकाने की क्षमता है या नहीं, अब आपको बैंक लोन दे रहा है, अब आपके पास उतनी क्वालिटी है, अब देखिए अब हम जाएंगे हम बोलेंगे हमको 5 करोड़ के लोन देगा, बोलेगा मलबा दिमाग खराब है तू कमाता कितना है, बोलेंगे 50 रुपया कमाते हैं 5-6 दिन में, तब बोलेगा अरे तुमको तो हम 1000 दे सकते हैं, समझे ना, तो 1000 रुपया हमको दे सकता है बैंक, तुम्हारी औकात के हिसाब से ही ना बैंकवा देगा पैसा भाई। अब हाँ विराट कोहली जाकर बोलेगा 30-40 करोड़ रुपया के काम है, बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल ले जाइए सर, आप ले जाइए आपके लिए रखा है, हुआ उसको दे देगा बट हमको नहीं देगा। कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त ही आएगा, हमारा साला यहाँ दौर आएगा, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा, मुद्रा मतलब रुपया, रुपया बांग्लादेश, भारत का मुद्रा है रुपया और बांग्लादेश के मुद्रा है टका, टका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए, देखिए नोट्स आपको सभी विषय का मिलेगा, यहां पर देख सकते हैं सभी विषय का नोट्स मिलेगा, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामान्य विज्ञान सब मिलेगा 99 रुपया में, 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी, सफलता ही हमारी पहचान है, सफलता की 100% गारंटी, देर मत करिए अभी नोट्स को खरीदिए 99 रुपये में, सभी विषय का नोट्स, पारा मेडिकल में सिलेक्शन करवा कर ही झुकूंगा, बिल्कुल नहीं झुकेंगे इस वर्ष। चलिए किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? बता दो रसगुल्ला पार्टी जल्दी से, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? सही जवाब ऑप्शन 40 का क्या होगा बताइए, मुस्कुराइए थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए, कैंस हो जाएगा, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, बस तेरी हाँ है बाकी। चलिए हम तो दिल दे ही चुके थे, दिल लेके भी उड़ गए और दिल तोड़ के भी चल गए,
कोई बात नहीं है, सच्चे में सर ऐसा गलती हम कर सकते हैं कभी। चलिए 41, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। ये वाला हम कॉले पढ़ा है एटीएम के बारे में। एटीएम जो होता है प्लास्टिक का एक कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड दिले है नहीं दिले होगा जानता है कि लोग अब तेज हो गया पढ़े में है ना। एटीएम डेबिट कार्ड ये सब प्लास्टिक का एक मुद्रा होता है जिसपे एक अंकित मान होता है, उसको घुसाते हैं फिर निकालते हैं, कौची निकालते हैं पैसा निकालते हैं भाई, कुछ और नहीं निकालते। एटीएम के अंदर 2400 घंटा पैसा निकाल सकते हैं ऑल इंडिया में, कहीं भी घुसा देंगे निकाल लेंगे। चलिए रुपया निकाले के बात कर रहे रे लाडला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 42, मुस्कुराने 42 ये वाला सॉन्ग बड़ी गा रहे हैं, कोई बात नहीं है। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। क्या बात है पीगू ने कहा था, पीगू ने। चलिए हम भी तो इतना कुछ बोलते हैं भाई, हमको नाम ही नहीं कोई लेता है। हम भी बोले थे कि हम बिहार को बदल देंगे, पर बदल देंगे समय का इंतजार करिए, बिल्कुल बदलाव ला कर ही रहेंगे। चलिए थोड़ा सा भी अगर बदलेंगे तो हम अपने आप को सफल ही मानेंगे। चलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखते हैं ना इधर कितना सारा ग्रामीण बैंक खुला रहता है, जाते हैं तो सब सुतले रहता है ज्यादातर आदमी। हाँ कौशिक काम है एंट्री करके अपडेट, ठीक है रखिए कर देते हैं। बैंक यही हाल है, ग्रामीण बैंक की हाल यही है, ठीक है इससे भी बदतर हाल है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमको भी एगो ग्रामीण बैंक में अकाउंट है उसको खत्म करवाने में फायदा है, क्या कि सबसे बढ़िया बैंक है प्राइवेट बैंक भाई, काम सही देता है सेवा बढ़िया रहता है। ये सब सरकारी बैंक में तो आधा स्टाफ जाएगा, इतनी घड़ी गर्मी के दिन है तो सुतले रहता है, खड़ 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 करित रहता है, गुस्सा इतना बढ़ता है करे के तो बहुते मन करता है कुछ, छोड़ देते हैं गरीब आदमी है वो भी तो गरीबे है। चलिए 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई, 1975 ईस्वी में। चलिए ठीक है ना, करने के लिए तो बहुते कुछ कर सकते हैं भाई है ना, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर क्या फायदा है करने से है ना भाई, वो भी समझदार इंसान है हम भी थोड़ा समझदार हैं। चलिए वीडियो कहला बनाएंगे, पगला है वीडियो कहला बनाएंगे भाई। चलिए 44, चलो वो भी समझदार इंसान रहता है, का करेगा भाई सूतेगा ना तो का करेगा, इसू देखा 8-10 साल पढ़ाई किया है तो नौकरी लगा है, अब आराम ना करेगा तो का करेगा। चलिए 44, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। 44 सही जवाब ऑप्शन ए आरजी सरैया। समय ना लगाओ तय करने में कि क्या करना है, वरना वक्त तो तय कर ही लेगा कि अब आपका क्या करना है। बिल्कुल मेरे भाई, समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, समय तय कर लेगा कि अब आपका क्या करना है। समय तो तय कर ही लेता है कि अब बहुते हो गया, अब तो हमको कुछ करिए पड़ेगा है ना भाई, इसलिए समय मत लगाइए। जीवन बहुत छोटी है, 70 साल की जिंदगी है, उसमें भी 20-30 साल सोने में गुजारिएगा है ना, तो जिंदगी छोटी है इसको बढ़िया बनाना पड़ता है, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है अगर साथ देने वाला धोखेबाज ना हो। समझ गए ना, बिल्कुल। तो 70 साल की जिंदगी है उसको बढ़िया तरीके से जिए, ठीक है, आराम से समय का सही सदुपयोग करिए। आईपीएल देखने से कुछ मिलने वाला है, आज हम बहुत गुस्सा में है, ये सब आईपीएल देख देख के कल एक मैसेज किया सर आईपीएल देख रहे हैं इतना स्कोर है, कहे अरे मलबा ये सब आईपीएल बंद करवा देंगे हम, रुको। चलिए 45, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं। बताइए भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय मतलब सबसे ज्यादा जिसको पास रुपया पैसा होगा, जो सबसे ज्यादा भारत सरकार को टैक्स देता होगा वही ना वित्तीय राजधानी होगा भाई। सबसे ज्यादा रुपया पैसा कहाँ है उसी को हम लोग वित्तीय राजधानी बोलते हैं। और भी चीजें होते हैं, डिफिनेशन इसका बड़ा है, अब इतना थोड़ी यहाँ पे पढ़ाना है ना भाई, तो समझिए समझदार लोग मुंबई। बाकी 10th में थोड़ा सा पढ़ाए थे। चलिए 45 खत्म आज का क्लास, आज का क्लास करने में मजा आया है तो कमेंट करके बताना है, लाइव चैट नहीं कमेंट में करके बता देना है बहुत मजा आया सर, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए खुद को स्पेशल समझिए, कोई भी चीज बेकार नहीं होता है, और आगे बढ़ते रहिए, महातबाही मचाते रहिए, राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। चलिए जय हिंद जय भारत।